हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। सितंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और सितंबर एंड होते होते ही त्यौहार आने स्टार्ट हो जाते हैं। और त्यौहारों में सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो होती है फास्टिंग। यूजुअली इन त्यौहारों में अक्टूबर में जो भी त्यौहार आते हैं, फॉर एग्जांपल नवरात्रि या फिर करवा चौथ, लोगों को इस बात की टेंशन हो जाती है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो क्या वो फास्ट रख सकते हैं, क्या वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो फास्ट रखेंगे तो उनके बेबी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा या ये सेफ़ होता है। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में आपसे बात करूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फास्ट रखना सेफ है या फिर नहीं, और अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट रखना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप फास्टिंग के बारे में सोच रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फेज, वो है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को जाके कंसल्ट कीजिए। जो भी आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो भी आपके मिडवाइफ हैं, जिनसे आप रेगुलर बेसिस पे कंसल्ट कर रहे हैं, आप उनके पास जाके कंसल्ट करिए ताकि वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री को देखकर आपको बता सकें कि आपको फास्ट रखना चाहिए या नहीं, आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ कर रही है फास्ट रखना, क्योंकि आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री के बारे में आपके डॉक्टर्स से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको फास्ट रखने से दो रीजंस पे या फिर दो कंडीशंस पे आपको मना कर देंगे। सबसे पहले रीज़न होगा जिससे आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपको फास्ट रखने से मना करेंगे, वो ये है कि अगर आप ट्विन बेबी कैरी कर रहे हैं। अगर कोई भी लेडी ट्विन बेबी कैरी कर रही होती है तो उसकी बॉडी इतने अच्छे से रेडी नहीं होती कि वो फास्ट रख पाए, इसलिए जो उनके गायनोकोलॉजिस्ट हैं या फिर उनके जो डॉक्टर्स हैं वो उनको फास्ट रखने के लिए अलाउ नहीं करते। सेकेंड रीज़न जब आपके डॉक्टर्स आपको फास्ट रखने से अलाउ नहीं करते वो होता है कि अगर आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके डॉक्टर्स आपको फास्ट रखने के लिए मना कर देंगे। ऐसी कंडीशन में आपको फास्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय तक भूखे रहेंगे तो ये आपके बेबी को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। अब मैं बात करूँगी कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान फास्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं और आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर चल रहा है या फिर आप अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में हैं, तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होगा। आपको ऐसा फास्ट नहीं रखना चाहिए जो निर्जला हो। आपको करवा चौथ नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ जो होता है वो निर्जला होता है। आप पूरा दिन जो है प्रेगनेंसी में अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान खासकर आप प्यासे नहीं रह सकते, तो इसलिए आपको अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान करवा चौथ रखना अवॉइड करना चाहिए। स्टिल अगर आपकी श्रद्धा है, आप रखना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि मैं कितनी रेडी हूँ फास्ट रखने के लिए। और अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल भी निर्जला ना रखें, क्योंकि आप आपकी बॉडी इसमें रेडी नहीं होती है, और अगर आप फास्ट रखेंगे तो आपके बेबी को ये चीज़ नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बिना पानी के ही फास्ट रखेंगे तो ही आपका फास्ट जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप फास्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फेज, वो होती है कि आप अपने फास्ट के दौरान सेंधा नमक का यूज़ करें। सेंधा नमक यूज़ करने से आपका जो सोडियम लेवल है वो मेंटेन रहेगा, और इससे आपको बीपी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको थका थका महसूस भी नहीं होगा, और आपके बेबी को नेगेटिवली कोई इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप फास्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए। अपने फास्ट के दौरान बिल्कुल भी आपको ज़्यादा समय तक के लिए भूखा नहीं रहना है। आप मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़े थोड़े समय पर कंज्यूम करते रहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स में आप मिल्क ले सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं, आप मीठी लस्सी ले सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं ये फास्ट में अलाउड होती हैं। इससे फास्ट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और इसके अलावा आपका जो प्रेगनेंसी फेज है वो इजीली निकल भी जाता है। अगर आपने फास्ट रखा है
और अगर या फिर आप फास्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप चाय या फिर कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। अगर आप चाय और कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे और आप खाली पेट ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, खासकर जब आपने फास्ट रखा होगा तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा समय के लिए खाली पेट होंगे, तो ये आपको एसिडिटी कर सकते हैं, सीने में जलन कर सकते हैं और ये आपके बेबी को नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। तो ड्यूरिंग फास्ट आपको चाय और कॉफ़ी कंज्यूम करना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको फास्ट के दौरान ध्यान में रखनी है अपने प्रेगनेंसी फेज में, वो ये है कि आपको रेस्ट पूरा करना है। ये नहीं है कि आपने फास्ट रखा हुआ है तो आप रेस्ट करना भूल जाएंगे। अगर आप रेस्ट करेंगे तभी ही आपके बेबी को नेगेटिवली कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपका जो ये फेज़ है वो इजीली निकल जाएगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप फास्ट के दौरान कोई हैवी काम या फिर कोई ज़्यादा थकावट वाला काम ना करें, क्योंकि वैसे ही आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत कम होगा और आप ऊपर से सारे समय में भूखे होंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप ड्यूरिंग योर फास्ट जो है ज़्यादा काम ना करें, थकावट वाला काम ना करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कीजिए। उसके अलावा आप अगर फास्ट रख रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। आप फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखें और आपके बेबी को भी समय समय पर पोषण मिलता रहे। तो ये थे कुछ छोटे से टिप्स और ट्रिक्स जो आप अगर फास्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।